कोयले की तरह चल रहा अवैध हॉस्टल। विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते कुछ निजी विद्यालय संचालकों की मनमानी इस कदर बढ़ चुकी है कि नियम विरुद्ध तरीके से स्कूल और अवैध रूप से हॉस्टल संचालित किए जा रहे। कुछ ऐसा ही मामला टिकुरिया मोहल्ला से संचालित ब्लू स्काई नेशनल स्कूल का बताया जा रहा है, जहां 8वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त स्कूल में 10वीं कक्षा तक के छात्रों को एडमिशन देकर पढ़ाया जा रहा है, जिनकी परीक्षाएं किसी और स्कूल में दिलवाई जाती है। अवैध हॉस्टल में एक हॉल में दर्जनों छात्रों को रखा गया है, जिनके बीच केवल एक शौचालय रहने और कपड़े धोने के लिए खुली छत का उपयोग किया जा रहा है। स्कूल वैन में फायर सेफ्टी और लेडी टेंडर के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा। बताया जा रहा है कि विद्यालय संचालक के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले लोगों के बच्चों को आवासीय विद्यालय में पढ़ाने का प्रलोभन देकर मोटी फीस ऐड कर पशुओं के तबेले जैसे संकीर्ण जगह में रखकर पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में प्रभाव पड़ सकता है। कई बार स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत भी की गई, पर कार्रवाई नहीं होने से विद्यालय संचालक के हौसले बुलंद है और मनमानी जारी है। मान्यता प्राप्त किया है, पता लगाऊंगा। आपने संज्ञान में दिया है, जांच कराऊंगा सर। लगातार ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अभी मुझे 10 दिन हुआ है सर। जानकारी 10वीं और 12वीं तक के बच्चों को भी लिया जा रहा है, और विद्यालय के शिक्षक का कहना है कि पढ़ाई हमारे यहाँ होती है लेकिन अन्य विद्यालयों से करवाई जाती है, तो क्या नियम में ऐसा कोई प्रावधान है, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर वहाँ पे अगर ऐसा होता है तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? उसकी आपने संज्ञान में लाया है, तो मैं उसकी जाँच कराऊंगा और जो उचित कार्रवाई होगी।